कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हर ओर छाई हुई है। कान्हा की नगरी मथुरा से लेकर बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस तक जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार 26 अगस्त को मध्यरात्रि में कान्हा का जन्म होगा और इस साल का जन्माष्टमी उत्सव कुछ खास है क्योंकि एक दुर्लभ योग बन रहा है। पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्यरात्रि में जेल के अंदर कान्हा का जन्म हुआ था। इस साल भी 26 अगस्त को मध्यरात्रि में 12 बजे यह सभी योग मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इस समय को लेकर धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत से कान्हा का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन तिथि और नक्षत्र दोनों का योग हो रहा है। इस साल मध्यरात्रि 12 बजे से 12:30 तक का समय सबसे शुभ माना गया है। इस दौरान घर में कान्हा का जन्म और अभिषेक करना विशेष फलदायी होगा। इस समय को लेकर पंडित जी ने सलाह दी है कि 11:45 तक सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे शंख और घंटी की आवाज के बीच कान्हा का जन्म करना चाहिए। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से कान्हा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसी दिन चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ था और जब यह जयंती नामक योग हो जाता है तो सभी पापों को नष्ट करके दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला यह होता है और यह समय बहुत अच्छा होता है, बहुत कम ये पाया जाता है। तो इस बार जो है जयंती का योग होने की वजह से इसका महत्व विशेष है। रात्रि के 12 बजे जो है भगवान का जन्म कराने के बाद तुरंत उनका जो है अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार भगवान विष्णु को प्रिय है। फिर भोग लगाना चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए और दुंदुभी नाद करते हुए रात्रि भर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जय विष्णु। इस बार जन्माष्टमी पर एक और खास योग बन रहा है जिसे जयंती योग कहा जाता है। पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि यह योग बेहद दुर्लभ और अद्भुत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 3 जन्म के पाप भी कट जाते हैं। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, इन दोनों के योग होने से यह जयंती नामक मुहूर्त काल कहा जाता है, जयंती नामक योग हो जाता है जो विशेष पुण्यदायक होता है और सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस साल जन्माष्टमी का उत्सव न केवल भव्य है बल्कि इस खास योग के कारण और भी विशेष बन गया है। इस पावन अवसर पर कान्हा का अभिषेक करें और इस दिव्य योग का लाभ उठाएं।